this. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. तो और मेरे भाई लोगों, क्या हाल चाल है यार। अगर आप लोगों को इस तरह के मोंटाजेस बनाने हैं तो यार बहुत इजी है यार। सबसे पहले आपको अपना गेम प्ले इंपोर्ट कर लेना है, जो आपको गेम प्ले चाहिए था उसमें आपको क्या क्या पार्ट्स चाहिए होंगे वो आपको बता देता हूँ मैं। एक लैंडिंग करता हुआ पार्ट जिसमें आपने पैराशूट नहीं खोला, आप प्लेन से लैंड कर रहे हो, मतलब प्लेन से उतरते वक्त इन गेम साउंड म्यूट कर देनी है आपको। आप वहाँ से उतरते वक्त आपको एक पार्ट लेना है जहाँ पर आप पैराशूट ट्रेल के साथ उतर रहे हो, वो बहुत कूल इफेक्ट लगेगा भाई, वो चीज़ लाजमी लेनी। और एक इफेक्ट चाहिए आपको जिसमें आप लूटिंग कर रहे हो, लूटिंग करने वाला आपको लाजमी चाहिए, क्योंकि वो आपके साउंड के हिसाब से जो मैंने आपको दिखाया है उसमें बहुत अच्छा लगेगा। ये लूटिंग करने वाला आपको लेने लें, उसके बाद आपको उसको भी क्रॉप कर देना है भाई। अगर आप अभी आप टेंशन, मतलब अभी हम साउंड नहीं लगाए हुए तो वो साउंड के हिसाब से सही कर देंगे। एक पार्ट आपको लेना है जहाँ पर आप जंप कर रहे हो, एक जंपिंग करते हुए पार्ट ले लेना। और पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है यार, उसके लिए सॉरी कहूँगा मैं यार। सब बारिश हो रही है कराची में यार, तो थोड़ा मुश्किलें चल रही हैं। तो यहाँ पर हम एक जंप करते हुआ पार्ट ले लेंगे, नहीं तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो आप दिखा रहा हूँ उस तरह से बिल्कुल जंप करता हुआ चाहिए भाई। एक जंप करता हुआ पार्ट ले लिया, उसके बाद हम एक और लूटिंग करता हुआ पार्ट लेंगे। अभी हम पहले वो ऐड कर लें, मैं साउंड जो है टिकटॉक की वीडियो से ले रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे कोई साउंड अवेलेबल नहीं था जिससे मैं बीट सिंग करवा पाऊँ अपने स्नाइपर मॉन्टाज को। ये साउंड कर दिया पीछे, इससे अब साउंड नज़र नहीं आया, मतलब वीडियो नज़र नहीं आएगी, इससे साउंड आएगा। अभी ये बिल्कुल सेट हो गया है उसके हिसाब से, मतलब पीछे जो मेरा म्यूज़िक है उसके हिसाब से सेट हो गया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर कोई मसला तो नहीं है, वहाँ पे मैं क्रॉप कर दूँ। और भाई इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो भाई इस चीज़ में थोड़ा फोकस करना है आपको। भले ही आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी फोकस करना है। अभी यहाँ पर हमें ऐड करना होगा टाइटल, जो ये आएंगे बीच में, जो लिरिक्स है, लिरिक्स हमें ऐड करने होंगे लाजमी। जैसे अभी ये मेरा, अभी जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये दिस बोलता है, जैसे दिस बोलता है उसको क्रॉप कर देना है। उसका जैसे ये एक और बोलेगा दिस, इस तरह के डायलॉग बोलेगा ये, तो वो लिखा होना चाहिए, क्योंकि भाई वो बहुत कूल इफेक्ट डाल देगा आपकी वीडियो में। इस तरह की चीज़ें लाजमी कर लेना, आप इस तरह कोई सॉन्ग लेते हो तो इस तरह की चीज़ें लाजमी ज़रूर करना। दिस कंटेंट में पावर आ गया, अब जहाँ पे इसने बोल दिया दिस कंटेंट में पावर, वहाँ आगे से क्रॉप कर दो भाई, बिल्कुल वैसे ही करना है। अभी ये भाई बहुत ईजी दिखने में, अगर आपको मुश्किल लग रहा हो भाई, यकीन मानो इससे ईजी मैंने ना एडिटिंग कभी नहीं करी है। जो इससे पहले वाली स्नाइपर मॉन्टेज वाली थी वो तो और भी मुश्किल। अब भाई ये देखो लॉन्ग अगो दिस, यहाँ पे जब इसने बोल दिया यहाँ पे आगे क्रॉप कर देती है भाई, बहुत इजी है, हलवा है हलवा। अभी आप देख लो भाई कितना इजी है। और ये काइन मास्टर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ये काइन मास्टर डायमंड है। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई डाउनलोड कर सकते हो, इस पर भाई स्मूथ चलता है नॉर्मल काइन मास्टर के आगे। बट अंडरस्टैंड इन क्रिएटेड मी के बाद हमें यार TDM का गेम प्ले इम्पोर्ट करना होगा, जो आप एक TDM में गेम पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें आप स्नाइपर यूज़ कर रहे हो, कि हम स्नाइपर मोटर दिखाना सिखा रहे हैं, और बीट के हिसाब से स्नाइपर अच्छी लग रही है, नॉट AR। तो आप जहाँ जहाँ आपने किल्स करें, मतलब जहाँ जहाँ आपने बंदे मारे, क्योंकि ये गेम में नॉर्मल इंसान ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता वही थे ना, तो 6-7 किल ही कर लेगा भाई, बहुत चप्पल मजाक में उड़ाना ऐसे। तो 6-7 किल किए थे स्नाइपर से भाई, तो वो दिखा रहा हूँ इसको क्रॉप करके, जहाँ जहाँ शॉट्स लिए मैंने वो शो हो रहा है अभी आपको। मतलब जहाँ जहाँ शॉट लेते हो ना, वहाँ बुक मार्क के आगे क्रॉप कर दो, आपको नहीं आता ना प्रॉपर तरीके से। तो अभी देखो यहाँ पे मैं मरा हूँ, ये पार्ट मैं कर दूँगा क्रॉप। अब भाई ब्राइटनेस बढ़ा देना रिकॉर्ड करते वक्त, अपने फ़ोन की नहीं बढ़ाना, इन गेम बढ़ाना ब्राइटनेस, या सेटिंग से बढ़ती है भाई। ये देखो मैंने जो पहली क्लिप थी उसमें इतना कूल ही नहीं लगा था, अभी देखो कितना कूल लगा। मैं शॉट देखो ऐसा अच्छा खासा खेल लेता हूँ, ऐसा इतना बुरा भी नहीं खेलता यार। खेलने से ज़्यादा हम लोग खेले जा रहे हैं 3-3 स्क्रीम्स यार। तो उसके गेम प्ले अगर आपको देखने तो दी वेब पाई टू चैनल में मिल जाएंगे, तो जाके देख सकते हो। T3 के लिए लक ज़रूर विश करना हमें, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो भाई वीडियोस तो भाई अब भी डिले आएंगे, और देख लो भाई जहाँ जहाँ शॉट ले रहे हो ना वहाँ क्रॉप कर दो, अभी टेंशन नहीं है। म्यूज़िक के हिसाब से एंड में सेट करेंगे हम, क्योंकि अभी हम आगे क्रॉप कर रहे हैं, बाकी आगे हम खुद सेट कर लेंगे।
तो भाई इस तरह से करने के बाद, तो भाई इस तरह से करने के बाद आपकी वीडियो में आपको लगेगी एकदम जान आ रही, क्योंकि भाई जब क्विक स्कोप लेते हैं ना, मतलब नॉर्मल शॉट इतने अच्छे ही लगते हैं जितना क्विक स्कोप अच्छा लगता है नॉर्मल बंदों को भी। तो भाई अगर आपको क्विक स्कोप लेना नहीं आता तो भाई ईजी सा हाल है, मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा ट्रेनिंग मोड में जाकर कैसे आप ले सकते हो। भाई मैं सेटिंग करता हूँ 4 पिक्सल प्लेयर हूँ मैं, स्कोप ऑन जायरो, मतलब भाई देख लो सेटिंग में जाके एक चीज़ होती है रिलीज़ करके, मतलब ए बस के ऊपर या नीचे कहीं होती है, आपको दिखा दूंगा जब मैं, जब ये मेरी एडिटिंग पूरी हो जाएगी वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कहाँ से आप क्विक स्कोप ले सकते हो। या क्विक स्कोप की मेन चीज़ क्या है, 4 पिक्सल क्लॉ, 4 फिंगर आप क्लॉ हो तो आपको भाई ईजी क्विक स्कोप ले सकते हो, आप क्विक स्कोप आप ईजी ले सकते हो, वरना अगर 3 फिंगर तो आपको सेटिंग में दिखा दूंगा आपको, मतलब लास्ट में वीडियो के एंड में दिखा दूंगा आप कैसे ले सकते हो क्विक स्कोप। अभी देखो यार यहाँ पर मेरा गेम प्ले छोटा पड़ गया मेरे साउंड के हिसाब से, तो यार मैं यहाँ पे अपनी टिकटॉक की वीडियोस इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो यार टिकटॉक की या इंस्टाग्राम की वीडियोस में ज़्यादा इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होता हूँ, इंस्टाग्राम पे ही डालता हूँ सारा की वीडियो, टिकटॉक में कब डालता हूँ ऐसे। तो ये देखो इसकी हाफ स्क्रीन थी कट कर दी, इसकी फुल स्क्रीन है भाई वही अच्छी लगी, हाफ स्क्रीन वाली अच्छी लगेगी। अभी देखो यहाँ पे शुरू में स्लो मोशन था वो क्रॉप कर दिया, इससे जहाँ पे शॉर्ट बस भाई से वही दिखाना, पूरी पूरी टिकटॉक की वीडियो मत डालना और सॉन्ग म्यूट लाजमी कर देना भाई, लाजमी कर देना सॉन्ग म्यूट। अभी देखो यहाँ खड़ों को मैं एकदम से पिक करके मारूंगा, तो यहाँ पर स्लो मोशन था, मैं पहले मैं देख लूँ भाई मैंने कहाँ शॉट लिया, थोड़ा काइन मास्टर थोड़ा फुल स्लो हुआ भाई, वो 30-30 सेकंड खेल लिए ना तो थोड़ा ज़्यादा पबजी राउंड किया हुआ है, मैं गेम ऑफ पीस वगैरह सब डला हुआ है थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। अभी देखो यहाँ पर मैंने शॉट लिए पीछे से, मैं क्रॉप कर दिए ताकि वो स्लो मोशन लगे ना, जब आप रिलोड कर लो तब स्लो मोशन डाल देना अपनी वीडियो पर। ये देखो ऐसे देखो भाई खुद देखो ईमानदारी से जाना जान आ गई वीडियो में, जब ये वीडियो में जाना चाहती ना भाई ये वीडियो आपकी वीडियो में जान डाल देगी। अभी देखो मैं यहाँ से उछलते हुए क्विक स्कोप लूँगा, जब मैं ये उछलते हुए क्विक स्कोप लिया आपने क्रॉप कर दिया, जहाँ बेकार ऐसा था सिर्फ क्विक स्कोप वाला हिस्सा रखा बस क्रॉप। तो अब हमें क्या चाहिए इसके अलावा, हमें चाहिए एक चेयर पार्क वाला, ये देखो यहाँ मैंने क्रॉप कर दिया, उसके बाद अभी हम चाहिए चेयर पार्क का हिस्सा, यहाँ पर आप सिट कर रहे हो चेयर पर, क्योंकि भाई इतने मोटर्स मेरे पास नहीं है यार, और अपनी क्रिएटिविटी में आप डाल सकते हो कि जो आपकी क्रिएटिविटी है आप कितना अच्छा खेल सकते हो, ये अप टू यू है आप कितना अच्छा खेल सकते हो। अभी देखो भाई ये जहाँ बैठ रहा हो वहाँ से क्रॉप कर देना जब भी बैठने लगे ऐसे, और पैन एंड जूम में जाके आप देख लो जहाँ पे इसका वाला आईपैड व्यू आ रहा है ना जैसे, थोड़ा जूम करके वैसा कर देना, देखो ये देखो भाई अच्छा लग रहा है वैसे। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दो, तो अभी आपको बताता हूँ मैं आपको इसको कैसे ले सकते हो, चलते हैं पबजी मोबाइल की तरफ। तो पबजी मोबाइल के लिए आपको लेना है सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में, ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको आने के बाद जो आपको साइड में दिख रहा है ये जो भी से कहते हैं मुझे उसको याद नहीं आ रहा, तो आपको इन पे करना है एम लॉक। अभी ये 4 फिंगर क्लॉ लेता रहा हूँ, 4 फिंगर क्लॉ में कितना ईजी होता है भाई आप खुद देख सकते हो ये, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4 फिंगर क्लॉ हो जाओ, 3 फिंगर छूके थोड़ा अपग्रेड एंड लॉक अपग्रेड हो गए तो अच्छा लगेगा। और अभी देखो इस तरह से आप एम लॉक करो, एम लॉक करने के बाद आप देखो एम लॉक हो गया, क्रॉस या बंदे के मुंह पे रखो ये देखो लगातार देख लो आप, देखो कितना इजी है, कोई भी गोली मिस होती है होने तो उसी को रीशॉट लेके मार सकते हो आप गोली मिस हो। अब आपको यही चीज़ है सब स्कोप में सीखनी है। अभी देखो मेरे सामने वो जा रहा है क्रॉस या, अभी देखो जैसे लॉन्ग रेंज में मार दिया, उसके पीछे एक और है उसको भी मार दिया, भाई देख लो कितना इजी होता है यार ये 4 फिंगर में। अभी आपको दिखा रहा हूँ 3 फिंगर में कैसे कर सकते हैं ये। अब ये है 3 फिंगर या 2 फिंगर वाले बंदों के लिए, तो ये रिलीज पे करने के बाद एम वैसे के नीचे जो होता है उसको रिलीज पे करने के बाद आपको ये जो सामने बोर्ड्स हैं अभी इनको स्पॉन होने, ये देखो उस पर एम लेना है खुद ब खुद, उससे अपने फायरिंग बटन में क्लिक करना है और खुद ब खुद आप जब फायरिंग बटन से हाथ डालोगे खुद ब खुद छोड़ देगा। तो भाई ये बहुत हलवा है यार, इससे मैंने ईजी आज तक नहीं देखा, लेकिन भाई प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए चाहिए होता है भाई, आप चाहे 3 फिंगर हो 2 फिंगर हो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए होती है। तो भाई मेरे को देखो खुद दिख लो आप मेरे को कितनी मुश्किल हो रही है, मैं मुश्किल से मार पा रहा हूँ रिलीज में, ये नहीं कह रहा कि भाई जो बंदे ये करते तो वो इजी होता है, तो भाई ये इस तरह से इजी रहता है। चलो यार मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और हाँ भाई दी वैम्पायर यूट्यूब चैनल और टैग गेमर चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर देना, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।